गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल एट होम। प्लीज स्टूडेंट परचेज योर बुक। विदाउट बुक यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। सी दिस इज योर बुक। ये आपकी लिटरेचर की बुक है क्लास सिक्स की। मैं ग्रामर पढ़ा के कंप्लीट कर दी हूँ। तो द इंग्लिश चैनल क्लास सिक्स लिटरेचर बुक। तो ये आपकी लिटरेचर की बुक है इंग्लिश की। आप देख सकते हैं कि आपका ग्रामर का चैप्टर जो है 1-4 कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके लिटरेचर पोर्शन पे आ गए हैं। लिटरेचर्स के चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाना। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, आपके कोर्सेस पीछे हो रहे हैं, आप पीछे जा रहे हो। सब कुछ स्टडी आपके कंटिन्यू है, स्टार्ट है, और टीचर्स आपके सब सब्जेक्ट्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ स्टूडेंट्स परचेज योर बुक। ये आज आपका लिटरेचर मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर है पोयम द फर्स्ट जैस्मिन। जो बच्चे बुक्स खरीद लिए हैं वो अपनी बुक्स में देखें। स्टूडेंट प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 5। फर्स्ट चैप्टर इज पोयम द फर्स्ट जैस्मिन। तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट जैस्मिन जो है इसमें आपका कहीं भी पोएट्स का नाम नहीं दिया है। बट मैं आपको ये बता दूँ, इंट्रोड्यूस करा दूँ, द फर्स्ट जैस्मिन जो है ये किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। ये किसकी पोयम है, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, वो इंडियन राइटर हैं, पोएट हैं, बहुत शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी है, बहुत कुछ लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जब वो इनका जन्म हुआ सबसे पहले हम पोएट के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। उनका जन्म हुआ 1861 में और 1941 में उनकी मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ऑल्सो नोन एज गुरुदेव एज अ बंगाली पॉलिमिथ हुज रीशेप्ड बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक एज वेल एज इंडियन आर्ट। उनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, बंगाली लिटरेचर्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर भी हैं वो, और वो इंडियन आर्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब बहुत ही एक ऊंचाई पर लेके गए हैं, बहुत अच्छा एक नाम दिए हैं उन्होंने। ही बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबल प्राइज फॉर हिज लिटरेचर गीतांजलि इन 1930। हिज पोएटिक सॉन्ग्स वर व्यूड एज स्पिरिचुअल एंड मतलब कि जो उनके ये सबसे पहले तो जान लीजिए ये क्या थे, ये सबसे पहले गीतांजलि के लिए इनको 1930 में एक अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ मिलना बहुत बड़ी बात होती है बेटा, इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ये सबसे पहले राइटर थे, पोएट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। और इनके जो सॉन्ग्स होते हैं बहुत ही धार्मिक होते हैं और बहुत ही प्रचलित होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, मतलब धार्मिक। और ये एक राइटर भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, पोएट, मतलब ये सब चीज़ें लिखते हैं। तो इनको सॉन्ग्स में भी इनको बहुत सारे गिफ्ट्स मतलब अवार्ड्स मिले हैं। तो ये सबसे पहले इनको 1930 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। फिर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइटर एंड पेंटर हुज इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोज एंड वेरियस फॉर्म्स। जो उन्होंने न्यू प्रोज को इंट्रोड्यूस कराया, लोगों के बीच लेके आया, उसको एक नया नाम दिया। और ये बहुत सारी चीज़ों लिखे हैं और इनकी फेमस ही इतने ज़्यादा है कि लोग इनको इस तरीके से नॉर्मल से नहीं याद करते, क्योंकि इनके बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। सबसे फर्स्ट अवार्ड गीतांजलि 1913 में इनको मिला है और नोबेल प्राइज़ के लिए ये जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस हुए ये इसी टाइम हुए थे। तो हम अब आते हैं पोयम पे। आपने पोएट के बारे में डिस्कशन हो गया है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो कैसे फेमस थे, एक इंडियन पोएट है ये, और कितने ज़्यादा फेमस है मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं सबसे पहले पोयम में।
तो हम आपको बताना चाहेंगे ये पोयम क्या है। ये पोयम ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल क्या है, उनकी खुद की मेमोरीज हैं, वो अपने खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में बताते हैं इस पोयम में, बचपन की चीज़ें या फिर जब भी इंसान अपने बारे में लिखता है या अपने ऊपर कुछ लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफिकल कहलाता है। तो ये क्या है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम विच मीन्स दैट पोयम इज अबाउट टू टैगोर हिमसेल्फ। हियर इज द पोयम, ही रिकॉल्स द जॉयज एंड चाइल्डहुड डेज इन द पोयम। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है रविंद्रनाथ टैगोर की खुद लाइफस्टाइल पे है, मतलब अपने बचपन की बातें बताएंगे और ये यहाँ पे अपने बचपन की जॉयनेस को बताएंगे, चाइल्डहुड की मेमोरीज को शेयर करेंगे इस पोयम में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मीन रिमाइंड हिम ऑफ ऑल टाइम ही वुल स्पेंड इन द कंपनी ऑफ नेचर्स various forms. He sound nostalgic but not sad. He is amazing day of happiness. ये यहाँ पे जैस्मीन की खुशबू को, उसकी जो ब्यूटी को है उसको याद करेंगे कि क्या, क्योंकि इनके बचपन में ये कैसे हुआ करता था जैस्मीन फूल या फिर इनकी लाइफ में कैसे आया था, वो सारी चीज़ें ये इस पोयम में बताएंगे। एंड ही विल स्पेंड इन द कंपनी ऑफ नेचर वेरियस फॉर्म, और ये जो अपने नेचर के बीच टाइम बिताते थे बचपन में उसको बताएंगे इस पोयम के थ्रू। एंड ही साउंड नॉस्टैल्जी बट नॉट सैड, नॉस्टैल्जी मतलब पुरानी यादें, बचपन की यादें, ये अपनी पुरानी यादें बचपन की यादों को इस पोयम में शेयर करेंगे ही, लेकिन वो उसे दुखी नहीं है, बहुत ही खुश हैं अपनी बचपन की यादें, पुरानी यादों को शेयर करके इस पोयम में। ही इज अमेजिंग डे ऑफ हैप्पीनेस, मतलब वो उनके जीवन का बहुत ही सुंदर और प्यारा समय था जो वो इस पोयम के थ्रू शेयर करेंगे। टैगोर जी अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं इस पोयम में। जब कोई अच्छा और खुशी का पल देखते हैं तो जब भी ये कोई अच्छा या खुशी का पल देखते हैं तो उनको लगता है हम बचपन के पल को आज फिर से जी रहे हैं, मतलब जब इनके संग कुछ ऐसा होता है तो इनको ऐसा लगता है कि हम अपनी बचपन की उस यादों को जी रहे हैं इस पोयम में, उनको ऐसा लगेगा। ये पोयम में भी यही कहा है उन्होंने, बचपन में जो फूल लिया था हाथों में, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, हाथ उनके फूलों से भरे थे, तो वही सारी चीज़ों ये अब इस पोयम में शेयर करने जा रहे हैं कि द फर्स्ट जैस्मीन, द फर्स्ट जैस्मीन मीन्स कि जैस्मीन मीन्स आपको पता है क्या होता है, फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो जो इनका ये जो फूल है वो इसके बारे में अब आपको बताएंगे कि ये जो फूल है ये कैसे अपने बचपन में हाथों में लिया करते थे, तोड़ते थे, और इनके हाथ कैसे फूलों से फिल होते थे, भरे होते थे, उसी चीज़ को अब ये शेयर करने जा रहे हैं अपने पोयम में कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन। आह दीज जैस्मीन, these white jasmine, I seem to remember the first day when I filled my hands with these jasmine, these white jasmine. Wow, ये jasmine का फूल, ये white jasmine का फूल, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे, मतलब ये जब तोड़ते हैं लेते हैं तो ये क्या कहते हैं, वाओ ये जैस्मिन का फूल, ये खूबसूरत वाइट जैस्मिन का फूल, क्या लगता है इन, मुझे ऐसा लगता है कि याद आता है ये वाइट जैस्मिन और खूबसूरत फूलों से भरा जब मेरा बचपन में हाथ था, ऐसे ही जैस्मिन के फूलों से और खूबसूरत वाइट जैस्मिन के फूलों से बचपन में भरा जब मेरा हाथ था, वो सारी चीज़ें मुझे अब याद आ रही थी, मतलब इनको याद आ रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा स्मेल करता है, इसकी स्मेल इतनी ब्यूटीफुल है, और वो चीज़ ये कोई चीज़ नहीं है जिसे जैस्मीन में, वो मेरे बचपन के जैस्मीन फूलों में थी, मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें वो बात नहीं है जो मेरे जैस्मीन, जो मैंने बचपन के जैस्मीन को फूलों को हाथ में तोड़ा था, अब वो सारे वो बातें इस जैस्मीन के फूलों में नहीं हैं। जैसे ही वो जैस्मीन का फूल लेते हैं तो कहते हैं कि वाओ ये कितना सुंदर और ब्यूटीफुल,
जैस्मिन का फूल है, कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। जो मेरे हाथों में बचपन में ये जैस्मिन का फूल था और मेरा हाथ फिल था पूरा फूलों से, अब इस जैस्मिन के फूलों में वो सारी बातें नहीं है जो मेरे बचपन के फूलों में हुआ करती थी, और वो भी इतना ही खूबसूरत और वाइट हुआ करता था। इन्होंने इतना यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बाकी की लाइंस मैं आपको कल समझाऊंगी, आपको क्या करना है इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना है अपनी कॉपी में, मतलब रिकॉल कर लेना, याद कर लेना है, दोहरा लेना है, मतलब अपनी माइंड में बार बार। और फिर उसके बाद आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने जो जो लाइन है एक्सप्लेन की है इंग्लिश में, उसको लिख लीजिएगा। यही आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, एंड परचेज योर बुक। थैंक यू।